नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राउंड अप। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। इस वक्त सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर है, कांग्रेस से चुनाव समिति बनाई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव समिति बनाई है। 16 सदस्यों की ये समिति बनाई गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद, अधीर रंजन चौधरी, मधुसूदन मिस्त्री, टीएस सिद्धेव को जगह मिली है। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला समिति अब लेगी। छत्तीसगढ़ से केवल टीएस सिद्धेव को ही जगह मिली है। मध्य प्रदेश से पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम को जगह मिली है। तो कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव समिति बनाई है। 16 सदस्यों की यह समिति बनाई गई है। बता दें आपको, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद, अधीर रंजन, कांग्रेस ने ये चुनाव समिति बनाई है। तो चुनाव समिति जो है कांग्रेस द्वारा बनाई गई है, कई सारे नाम इसमें शामिल हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ ही कई सारे नाम शामिल हैं। ज्यादा जानकारी क्या है इसके लिए हमारे साथ सहयोगी ममता लांजेवार जुड़ रही हैं। वो बताएंगी कि आखिर सदस्य कौन कौन सदस्य इसमें शामिल है। ममता, टीम बनाई गई है चुनाव समिति की, ये टीम बनाई गई है, 16 इसमें सदस्य हैं। कौन कौन से सदस्य रहेंगे, और खास बात यहाँ पर यह भी देखने को मिली है कि छत्तीसगढ़ से सिर्फ टीएस सिद्धेव का नाम सामने आया है। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय चुनाव समिति की घोषणा हुई है और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये इस जो है वो घोषणा की है और ये आदेश जो है वो जारी हुए हैं। और अगर हम बात करें तो 16 सदस्यीय ये कमेटी है, जिसमें सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री, एन उत्तम कुमार रेड्डी। छत्तीसगढ़ से एकमात्र नाम है उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव का। इसके साथ ही के जे जॉर्ज, प्रीतम सिंह जो ऑब्जर्वर भी है छत्तीसगढ़ के, और इसके साथ ही मोहम्मद जावेद, एमी याजनिक, पीएल पुनिया, ओमकार मरकाम जो मध्य प्रदेश से हैं, और केसे वेणुगोपाल। तो छत्तीसगढ़ के लिए अगर हम बात करें तो बड़ी बात यह है कि टीएस सिद्धेव जो उप मुख्यमंत्री है, उन्हें भी वो भी इस सूची में शामिल है और एकमात्र छत्तीसगढ़ से उनका उन्हीं का नाम शामिल है। केंद्रीय चुनाव समिति जो है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जो टिकट्स जो बांटे जाएंगे, तो ये केंद्रीय चुनाव समिति जो है यहां से नाम जाते हैं पैनल बना के, और उसके बाद में एआईसीसी में केंद्रीय चुनाव समिति ही इस बात को लेकर निर्धारित करती है कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए, किसको प्रत्याशी न बनाया जाए। इस लिहाज से अगर हम बात करें तो पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद अब केंद्रीय चुनाव समिति में उनको जगह दी गई, यानी कि लगातार उनका कद जो है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में अब जब प्रत्याशी चयन होगा, जो सूची आएगी, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अब कोई शंका नहीं रह गई है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जो है उनकी भूमिका एक तरह से कह सकते हैं एक बड़ी भूमिका उसमें रहेगी, क्योंकि वो केंद्रीय चुनाव समिति में ही है। ऐसे में जो पैनल भेजे जाएंगे, जो प्रत्याशियों के नाम भेजे जाएंगे, उसमें छत्तीसगढ़ से किसको टिकट दिया जाएगा, जाहिर तौर पर ये पूरी कमेटी डिसाइड करेगी, और जब कमेटी डिसाइड करेगी उसमें उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव शामिल होंगे, तो जाहिर तौर पर उनकी अपनी राय भी बहुत ज्यादा मायने रखेगी। तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है और उप मुख्यमंत्री टीएस सिद्धो को केंद्रीय चुनाव समिति में जगह दी गई है। लगातार उनका कद बढ़ता जा रहा है और इस खबर के बाद में अगर हम बात करें तो कोई इसको ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो है वो एक भीड़ जो है वो सिविल लाइन के बंगले में, टीएस सिद्धो के बंगले में बहुत ज्यादा दिखाई दे, इस पर जो राजीव भवन में दिखाई देती है, इस पर भी कोई शंका नहीं होगी। जी वाकई देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अहम जिम्मेदारी हम इसको मान सकते हैं। देखिए, उम्मीदवारों के नाम जो है चुनाव समिति ही डिसाइड करेगी और आगे बढ़ाएगी, मतलब ये माने कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है और ज़्यादा टीएस सिद्धेव पर भी बढ़ेगी।
बिल्कुल देखिए, चुनावी साल है और केंद्रीय चुनाव समिति में उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव शामिल किए गए हैं और जाहिर तौर पर ये वो समिति है जो ये डिसाइड करती है कि कौन से प्रत्याशी जो है मैदान पर उतारे जाए। जो पैनल बना के भेजे जाते हैं उसमें से किस प्रत्याशी को नाम फाइनल करना है वो ये डिसाइड करते हैं। तो जाहिर तौर पर टी एस सिंहदेव जो है उनकी जिम्मेदारी तो बढ़ी है, उनका कद भी बढ़ा है और चुनाव का वक्त है, चुनाव के समय केंद्रीय चुनाव समिति में अहम जिम्मेदारी मिली है। 16 नाम इसमें है और छत्तीसगढ़ से एकमात्र टी एस सिंहदेव जो है वो शामिल है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, कद भी बढ़ा है और अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर राजनीति है और ये जल्द ही जो है पहली सूची आने वाली है। आज कुमारी शैलजा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम जो चुनाव समिति के सदस्य हैं उन छत्तीसगढ़ चुनाव समिति की उनकी बैठक हुई। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी बैठक हुई और इसके बाद ये भी बताया गया कि 8 तारीख के बाद में, क्योंकि 8 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे उसके बाद में पहली सूची जारी होगी, पहले कहा जा रहा था 6 तारीख तक के। तो जाहिर तौर पर इस दौरान अगर हम बात करें तो चूंकि अभी जो समय है इस दौरान हलचल भी आपको जो सिविल लाइन के जो बंगले में है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए ममता। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं, शिक्षक पदस्थापना संशोधन मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें स्कूल शिक्षा विभाग ने रद्द किया है संशोधन आदेश, करीब 2500 शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। पैसे लेकर संशोधन कराने की पुष्टि हुई थी, शिक्षा विभाग ने 12 से अधिक अधिकारियों को निलंबित भी किया था। अब शिक्षकों को पदस्थापना स्कूल में ज्वाइनिंग करने का आदेश दिया। तो करीब 2500 शिक्षकों को एक बड़ा झटका लगा है, पैसों को लेकर संशोधन कराने की पुष्टि की गई थी, 12 से अधिक अधिकारियों को इसमें निलंबित भी किया गया था। रायपुर से बड़ी खबर है, राहुल की सभा के बाद फेंके गए खाने से गायों की मौत हुई। सभा के बाद लोगों ने फेंक दिया था खराब खाने का पैकेट, खराब खाना खाने से गायों की मौत हो रही है और कई किसानों की गायों की तबीयत भी खराब हुई है। गायों की स्वास्थ्य की जांच करने के लिए टीम भी पहुंची, प्रशासन की टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया। 20 से अधिक गायों की अब तक मौत हो चुकी है ऐसा ग्रामीण कह रहे हैं। शवों को लेने टीम पहुंची, ग्रामीणों ने उनका घेराव किया। गायों की मौत पर रायपुर प्रशासन का बयान भी आया कि जांच कराकर सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। यहाँ पे हम लोग 5-6 टीम लगी हुई है और हम लोग सुबह से यहाँ पे लगे हुए हैं और हर घर घर में जाकर के हम लोग इलाज किए हैं। सुबह से कितने डॉक्टर इसकी जांच कर चुके हैं सर गायों की? अब आपको आंकड़ा जो है वो बाद में बताएंगे, लेकिन कंटिन्यू चले रही है प्रोसेस। अभी कुछ टीम इधर दूसरी जगह चली गई है। सैंपल में क्या क्या कुछ ले रहे हैं इनका? नहीं, इनका सैंपल जो है ब्लड सैंपल लेंगे, इनका सीरम सैंपल, फीकल सैंपल, वो सब लेंगे उसको। जिस खराब खाना खाने को लेकर गौ माता की मौत हुई है वो ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, किसान हमारे साथ मौजूद है। आपकी गाय क्या मौत हो गई? आपकी गाय मौत हो गई है सर, हमारे गांव गर्भ से थे जी। मर गई वो। कैसे कब हुआ है ये? अभी खाना सरकार भेजा था ना, वो खाना खाया और एक दिन के बाद ही खत्म हो गई, तो खाया और खत्म। आपने इसकी शिकायत कहीं पे की है? शिकायत कहीं नहीं की है, लेकिन ना गांव में चर्चा किए थे कि हमारी गाय ये खाना खाने से खत्म हो गया। और कितने लोगों की गायें हैं जो इस तरीके से मरी हुई है? बहुत जने की है, लेकिन अभी उसके बारे में बहुत लोगों की अभी गाय हो रहा है सर। अब जैसे कि आप घर में जाकर देख सकते हो, अभी एक एक गाय और निकल रहा है और कुछ जो बैठा है वो भी गेंदला फेंक रहे, मतलब वो जी खाने से प्लास्टिक के जो खाने। आप बताएंगे कि कितने गाय की लगभग मौत हो चुकी है? बता रहे मैं अभी 20 गाय अपने आंख से देख चुका हूं जो मर चुकी है, 10 गाय ऐसी है जो उठ नहीं पा रही है और पशुपालकों के घर में भी गाय जो है उनको हम लोग वो लोग खुद प्राइवेट इलाज करा रहे हैं। मतलब 20 गाय मर चुकी है, 10 गाय अभी मरने की स्थिति में है और कई न जाने कितनी गाय है जो भी मरेंगी। तो और अभी प्रशासन का अमला आया हुआ है, आप लोगों ने बातचीत किया, अपनी बातों को रखा? जैसे ही सोशल मीडिया में डला है सब चीज उसके बाद प्रशासन जगह, प्रशासन अपने लीपापोती में लग गया है कि ये खाना कारण नहीं हुआ करके, चाहे वो पशु विभाग के डॉक्टर लोग हो चाहे पुलिस विभाग वाले लोग। तो 2 दिन से खाना पड़ा हुआ था और पशुओं की मौत हो रही थी, तो आप लोगों को पता नहीं चला कि आज ही पता चला? होता है गाय जब खाना खा लेती तुरंत ही मरती है, जब गाय खाना पचा नहीं पाती है तब मरती है गाय। कल गाय खाना खाई है दिन में, शाम तक पचा नहीं पाई मर गई उसके बाद गाय। तब कल हम लोग रात से एक्टिव हुए, हम लोग रात को भी हमने कई गायों का इलाज किया है अपने पैसे से।
तो देखिए ये ग्रामीण बता रहे हैं कि गायों की तबीयत कल रात से बिगड़ते गई है और एक एक करके गाय मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं, उनकी मौत होते जा रही है और अभी भी कई गांव में कई गायों का इलाज कराया जा रहा है। प्रशासन को भी इसकी सूचना दी गई है। गाय को मां का दर्जा दिया जाता है, गाय के नाम पर सरकारें आ जाती हैं, गाय के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे हो जाते हैं और उसी मोक्षदायिनी माता गाय की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के चलते मौत हो जाती है। एक दो नहीं, 20 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। नवा रायपुर में राजीव मतदान क्लब में कार्यक्रम में राहुल गांधी की सभा के बाद खाना फेंका गया था। बताया जा रहा है कि यह खाना गायों के लिए जहर बन गया। गायों की मौत पर बीजेपी जवाब मांग रही है। राम वन गमन और गौठान की बात करने वालों को गायों की मौत का जिम्मेदार बता रही है। धेनु सदा नाम रई नाम, यही कहता है अथर्ववेद। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक है कामधेनु। जिस माता के शरीर में है देवताओं का वास, जिसकी पूंछ पकड़कर हो जाती है मोक्ष की प्राप्ति, जिसके दर्शन मात्र से कट जाते हैं पाप, ऐसी माताओं की मौत हो गई। जिनके दूध में 16 प्रकार के मिनरल्स होते हैं, जिनका दूध बदहजमी से बचाता है, जिनका दूध कैंसर का खतरा कम कर देता है, ऐसी माओं की मौत हो गई। जिन पर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था है, ऐसी माओं की मौत हो गई। तो इसे मौत क्यों माना जाए, गैर इरादतन हत्या क्यों नहीं? रायपुर में बड़ा जलसा हुआ, गरवा नरवा घुरवा बाड़ी वाली सरकार का, गौधन न्याय योजना वाली सरकार का, गौठान के लिए तारीफ पा चुकी सरकार का, गौमूत्र से गांव की आर्थिकी सुधारने वाली सरकार का। लेकिन इस आयोजन का ऐसा साइड इफेक्ट आएगा, खुद जिम्मेदारों ने नहीं सोचा होगा। पार्टी के सबसे बड़े पुरोधाओं से सजे मंच के बाद मौत का ऐसा तांडव होगा, किसी ने नहीं सोचा था। राजीव मितान क्लब के कार्यक्रम में राहुल गांधी की सभा के बाद फेंका गया खाना जहर बन गया। सभा के बाद फेंके गए लाखों रुपए के खाने के पैकेट खाने के बाद एक एक कर 20 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। कई किसानों की गायों की हालत गंभीर है और सोए हुए प्रशासन की नींद, सोशल मीडिया पर मचे हल्ले के बाद टूटी, तब आनन फानन में अलापा गया जांच राग। लेकिन जिस किसान की बेटी होती है गाय, उसका दर्द सुन लीजिए। मौत हो गई है सर, हमारे गांव गर्भ से थे, मर गई वो। कैसे, कब हुआ है ये? अभी खाना सरकार भेजा था ना, वो खाना खाया और एक दिन के बाद ही खत्म हो गई, तो खाया और खत्म। हाँ, बहुत लोगों के अभी गाय हो रहा है सर, अब जैसे कि आप घर में जाकर देख सकते हो, अभी एक एक गाय और निकल रहा है और कुछ जो बैठा है वो भी गेंदला फेंक रहा है, मतलब वो जी खाने से 10 गाय ऐसी है जो उठ नहीं पा रही है। और पशुपालकों के घर में भी गाय जो है उनको हम लोग, वो लोग खुद प्राइवेट इलाज करा रहे हैं। मतलब 20 गाय मर चुकी है, 10 गाय अभी मरने की स्थिति में है और कई न जाने कितनी गाय है जो भी मरेंगी। और गुनाह इसलिए भी गंभीर है क्योंकि गाय गौठान गोधन से नया छत्तीसगढ़ गढ़ने के नाम पर पूरे देश में प्रशंसा पाने वाले सूबे में प्रशासनिक जिम्मेदारों की लापरवाही, गायों की जिंदगी लील गई। गुनाह इसलिए भी कि संवेदी मुखिया ने कहा था, गाय की सेवा करे के बीच में जेन भी आही, ओला ना ए लोक में गति मिलही न परलोक मां। और तो और मेयर रहते हुए प्रमोद दुबे ने घोषित किया था, गाय हमारी नगर माता है। कहा था हम अपनी मां के लिए कितनी गंभीरता से काम कर पाते हैं। आज उन्हीं की पार्टी के राज में एक दो नहीं, 20 से ज्यादा गायों की मौत एक साथ हो गई। राहुल गांधी की आए और 100 से ज्यादा गायों की जान लेकर वो चले गए। राजीव गांधी जी का जहां कार्यक्रम हुआ वहां पर सड़ा हुआ खाना ऐसे ही फेंक दिया गया और उस गायों, उसको खाने से 100 से ज्यादा गायों की मृत्यु हुई है। आज जिस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में गौ माता की मृत्यु हुई है और लगातार छत्तीसगढ़ में सड़कों में गौ माता की मौतें हो रही है,
ये बताता है कि किस प्रकार से राज्य की भूपेश बघेल की सरकार इस प्रकार के कृत्य कर रही है। वर्तमान में नया रायपुर में जिस तरह से 20 गायों की मौत फूड पॉइजनिंग से हुआ है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या भी मामला मां की मौत का ही लगता है आपको, या ये लापरवाही करार देती है कि माता का वध हुआ है? गौ माता के सियासी कर्ज से न वो मुक्त हैं जो आरोप लगा रहे हैं, न वो मुक्त हो सकते हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं। जनता जनार्दन देख रही है, जिसके पास सबका हिसाब है, सबका जवाब है। रायपुर से आकाश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी पर आप, बीजेपी ने मामले की जांच के लिए समिति बनाई है। बीजेपी ने मवेशियों की मौत की जांच शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल मेला ग्राउंड पहुंचे हैं। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने गंभीर आरोप लगाए, मवेशियों को पीएम के बिना दफनाया जा रहा है। ब्रजमोहन अग्रवाल का साफ तौर से कहना था कि पोस्टमार्टम नहीं कराया और उसके बिना ही दफनाया जा रहा है। गाँव में महामारी फैलने का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ, तो महामारी फैल सकती है गांव पे, ये कहा गया है ब्रजमोहन अग्रवाल द्वारा। आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और निमोरा और ऊपरवारा टूटा गांव में ही 30 से ज्यादा गायों की मृत्यु हो चुकी है। दो गायों को हमने देखा है जो मरी हुई वहां पर पड़ी हैं, और 100 से ज्यादा गाय जो है वो बीमार है घर घर में। और निमोरा और तूता, निमोरा और ऊपरवारा, इन गांवों में भी तो मुझे लगता है कि 100 से ज्यादा गायों की मृत्यु हुई है, 500 से ज्यादा गाय बीमार हैं, और कुछ गायें अभी भी मरी हुई गांवों में पड़ी हुई हैं, जिनसे महामारी फैलने का डर है। अगर इसके लिए कोई दोषी है तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और आयोग। शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। मामला अकलतरा के परसाही माना गांव का है। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले जांजगीर चांपा जिले में ही जहरीली शराब पीने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। यह हादसा जिले के अमोदा गाँव में हुआ था, जहाँ गाँव के ही कोचिए से दोनों भाइयों ने शराब खरीदी थी। इससे पहले भी जांजगीर चांपा जिले में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस तरह से पिछले 5 महीने से जिले में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी अभी 3 घटनाएं जहरीली शराब पीने से हुई है। घोटाला करने के, पैसा कमाने के लिए इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करने का, लोगों को मौत के घाट उतारने का काम, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम राज्य की भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है जो गौ माता की मौत का दोषी हो। उधर छत्तीसगढ़ में जहरीली शराब पीने से हो रही मौत पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश सरकार पर अवैध शराब कारोबारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। तो आदिवासी समाज ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया है। भोजराम ध्रुव की मौत पर ग्रामीणों में आक्रोश साफ तौर से दिखाई दे रहा है। अतिक्रमण के आरोप में वन विभाग ने ये चक्का जाम किया था, गिरफ्तार कर भोजराम ध्रुव को जेल भेजा गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, आदिवासी समाज का हल्ला बोल हो रहा है, हल्ला बोल की तस्वीरें हैं। गरियाबंद की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। आदिवासी समाज ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। भोजराम ध्रुव की मौत पर ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा गया। अतिक्रमण के आरोप में वन विभाग ने गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार कर भोजराम ध्रुव को जेल भेजा गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। गरियाबंद जेल में तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था।
आदिवासी समाज ने वन विभाग और जेल प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। ज्यादा जानकारी के लिए शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, आदिवासी समाज का हल्ला बोल हम देख रहे हैं, किस तरह से नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर पूरा मामला क्या था बताइए। जी ऋतु जी, पूरा मामला गरियाबंद का है और आदिवासी समाज ने बताया कि वन विभाग ने पहले तो जो मृतक है उसे वन अतिक्रमण के मामले में पहले वन विभाग ने गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया और जेल से फोन आता है परिजनों की भोजराम ध्रुव की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसे गरियाबंद में पहले तो अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उसे रायपुर रिफर कर दिया गया और इलाज के दौरान मौत हो गई। जैसे ही यह खबर आदिवासी समाज को लगी तो तमाम आदिवासी समाज के लोगों ने आज नेशनल हाईवे 53 को जाम कर जमकर प्रदर्शन किए। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का पुतला दहन करते हुए वन अमला और जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है, मारपीट का आरोप लगाया है, प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पूरे मामले में संबंधित जो दोषी अधिकारी है जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर समाज में, आदिवासी समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है और लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, पूरे मामले की जांच करने की मांग कर रहे हैं। बारहाट नेशनल हाईवे से बहुत बहुत शुक्रिया शेख इमरान जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 25 सेकंड में खबर।